किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं प्रमोद प्रेमी यादव। वीडियो आ चुका है सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह प्रमोद प्रेमी यादव की टीम द्वारा प्रियंका राय को बर्तारीफ किया जा रहा है। जी हाँ, प्रियंका राय ये वीडियो जो कि मीडिया वालों के दी है, और बताइए कि देखिए किस तरह से मेरे साथ प्रमोद प्रेमी यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के लोग व्यवहार कर रहे थे। जी हाँ, प्रियंका राय लाइव आके इंटरव्यू में बताई है कि प्रमोद प्रेमी यादव और मेरे बीच पिछले 12 साल से रिलेशन है, लेकिन फिलहाल में प्रमोद प्रेमी यादव एक नई शादी कर ली है। जी हाँ, प्रियंका राय का कहना है प्रमोद प्रेमी यादव टोटल जो कि 3 शादी किए हैं, और जब वो मेरे से बखोरापुर मंदिर आरा में शादी किए थे तब मुझे बताया गया कि मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, लेकिन इसी साल मुझे पता चला कि उनकी एक पहली बीबी है जिनसे उनके बच्चे भी है। जब ये सवाल मैं प्रमोद प्रेमी यादव से करने लगी तब से प्रमोद प्रेमी यादव मेरे को बर्तारीफ करने लगे और अपने लोगों से फोन करके धमकी भी दिलवाते हैं। प्रियंका राय ने अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए और इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि प्रियंका राय आरा के उद्वत नगर थाना में जो कि FIR भी दर्ज करा दी है प्रमोद प्रेमी यादव, उनके मैनेजर सोनू और उनके भाई पर भी जो कि प्रियंका राय FIR दर्ज करा दी है। पिछले 4-5 महीने से प्रियंका राय जो कि FIR दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। तब जाके प्रियंका राय लाइव आती है और मीडिया में इंटरव्यू देती है और अपना दास्तान बताती है कि अभी मैं कैसे अपना जीवन बसर कर रही हूँ। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी यादव मेरे को 1 रुपया भी नहीं देते हैं। जी हाँ, सब्जी खरीदने तक का भी मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा गरीब है, वो लोग मुझे जो कि 2-3 हजार रुपया भेजते हैं, तो मैं सब्जी खरीदती हूँ और खाना खाती हूँ। यहाँ तक कि जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ का लाइट बिजली और पानी का कनेक्शन भी प्रमोद प्रेमी यादव द्वारा कटवा दिया गया है। जी हाँ, यदि मुझे कुछ होता है इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो कि प्रमोद प्रेमी यादव पर होगी, और पुलिस प्रशासन पर भी प्रियंका राय ने सवाल खड़ा किया है। अब वीडियो भी सामने आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रमोद प्रेमी यादव और प्रमोद प्रेमी यादव की टीम द्वारा किस तरह प्रियंका राय को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जल्दी प्रियंका राय को न्याय मिलने वाला है, क्या होता है आगे फैसला, सारा अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल आप सभी को बता दूं कि प्रियंका राय जो कि प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर FIR दर्ज करा दी है और कई सारे आरोप लगाई है, और प्रियंका राय का यह भी कहना है कि प्रमोद प्रेमी यादव की 3 पत्नियां हैं। तो आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसा लगा, प्रियंका राय के इंटरव्यू के बारे में आप लोगों का क्या है राय, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए।